गोरखपुर महोत्सव के स्पॉन्सर की बैठक जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी रविंद्र मिश्र सहित विभिन्न बैंकों के प्रबंधक मौजूद रहे। बैठक में जनवरी में आयोजित होने वाले गोरखपुर महोत्सव की तैयारियों की समीक्षा की गई तथा महोत्सव में खर्च होने वाले धनराशि की भी गणना की गई। बैठक में डीएम ने सभी को निर्देश दिए कि महोत्सव की तैयारियों के लिए अभी से जुट जाए जिससे महोत्सव को भव्य बनाया जा सके। सर आपको अवगत कराना है विगत वर्ष की बात विगत वर्ष किए गए थे सर उससे पहले में सर पूरे भारतवर्ष से जो राष्ट्रीय और क्षेत्र वाली स्थिति में आमंत्रित करने का प्रयास किया जाएगा सर उसमें सर हमें प्रमोशन स्टॉल भी लगाएंगे सर और राष्ट्रीय जो पुस्तक मिला था सर पुस्तक मिला के आयोजित कर रखा है खान पानी भी लगाए रहेंगे सर को और जो सेलिब्रिटी होंगे सर बड़े से बड़े सेलिब्रिटी भी सर विगत वर्ष की बात सर पुष्टा करने का प्रयास किया जाएगा सर और सर मैं अवगत कराना चाहूँगा आप सब लोगों को सर आयुक्त हूँ प्रत्यक्ष महोत्सव समिति की तरफ से रेगुलेटर सर पूर्व निर्देशन किया है पूरा स्पॉन्सरशिप की राशि दी सर और मैंने इसमें भी सर आप लोगों से प्रेषित किया सर और इस संसाधन समिति के चेयरपर्सन हमारे माननीय जिलाधिकारी महोदय हैं सर आप सबसे अनुरोध था सर कि विगत वर्ष की बात सर आगे बढ़कर इस स्टेडियम को बढ़ाया जाए जिससे कंटेंट प्रमोशन हो सके या पूंजी प्रमोशन होगा सर तो रोजगार सृजन और पूंजी निवेश के प्रॉफिट सर जैसे आप तो आवगत है कुछ महोत्सव है यहाँ कैलेंडर में दर्ज है जैसे बड़े बड़े महोत्सव ग्रुप सात आठ ही है उस पर गोरखपुर महोत्सव भी नेशनल कैलेंडर में दर्ज है और नेशनल लेवल पे जारी होने वाले में भी स्टेट लेवल में विगत पिछले दो वर्ष से ये हम लोग बृहद रूप से विस्तार रूप से बुलंद रूप से हम लोग इसको मनाते हैं और उसके माननीय मुख्यमंत्री जी समय समय पर समीक्षा करते हैं। अभी तो 10-15 दिन पहले पिछले विजिट में आए थे उस समय में भी पूरा डिटेल में सारे विभाग के माध्यम से डिटेल डिस्कशन हुई उसमें विभाग माध्यम से भी इनको टूरिज्म विभाग माध्यम से 1 करोड़ रुपया स्पॉन्सर मतलब 1 करोड़ रुपया का मिलता है अनुदान के रूप से और 50 लाख रुपया पिछले बार जो उनका संस्कृति विभाग से कब से बोल सकते विभाग से मिला था चुकी दिया 7 लाख के आसपास का। उसके अलावा जो विभिन्न यहाँ लोकल स्पॉन्सर्स माध्यम से वो सी एस आर फंड माध्यम से हम लोग बृहद रूप से लगभग तो 3-3.5 करोड़ का लगभग खर्च होता है कहने के लिए 3 दिन है बट ये चलता 7 दिन के लिए शुरुआत तक पहले से ही चालू हो जाता है प्रदर्शनी लगता है स्टॉल्स लगता है और जर्मन हैंगर जो यहाँ यूनिवर्सिटी मैदान पूरा टॉल करते हुए लगाते हैं बृहद रूप से लगता है भारी संख्या में पूर्वांचल से जो कितने लोग वो आते हैं उसके अलावा बाहर से भी आते हैं बहुत टूरिस्ट उस समय टूरिस्ट सीजन भी होता है फॉरिनर्स भी आते हैं और हमेशा जो इसका हम लोग कैटेगरी वाइज इस पर अच्छा आर्टिस्ट को बुलाने के लिए प्रयास करते हैं टॉप जो भारत में नेशनल इंटरनेशनल लेवल में जो भी सिंगर्स होते हैं जो भी आर्टिस्ट होते हैं उन लोगों को बुलाते हैं उसी के लिए हम लोग को थोड़ा बजट से ज़्यादा खर्चा हो जाता है ताकि जो टॉप लेवल आर्टिस्ट है आप तो करोड़ में मांगते हैं वो यदि तो निवेदन करने में नेगोशिएट करने में थोड़ा लाख में तो 50-60 लाख उस हिसाब से दिया जाता है बाकी स्टॉल इत्यादि वो सारी चीज़ होता है। पिछले साल भी बैंकर्स का कंट्रीब्यूशन यहाँ बहुत अच्छा रहा एंड उनका पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा रहा है और इस बार भी हम लोग एक टेंटेटिवली एक शेड्यूल बनाया क्या क्या हम लोग आपको ऑफर करेंगे शायद आपको मिल गया होगा टूरिज्म सेंटर भी हम लोग का प्राप्त हो गया है इसलिए जो आप कितने कंट्रीब्यूट करते हैं वो सिटी सबको दुकान ए पी जी का वो उसके पदियों में एग्जम्पशन में आ जाता है